नमस्ते मेरे पेवर वाले सभी दोस्तों। तो आज मैं आपको अपोलो का AP1000 जो मशीन है, बहुत ही ज़बरदस्त पेवर वाल पेविंग का मशीन है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो अपोलो का जो मॉडल AP1000 है, यह हाइड्रोस्टेटिक पेवर फिनिशर है, सेंसर कंट्रोल है और इसका विड जो है वो लगभग 10 मीटर तक जाता है। पूरा 10 मीटर तक नहीं जाता है, 9.56 कुछ तो भी जाता है, लेकिन 10 मीटर सेगमेंट में ये मशीन आता है। बहुत ही फेमस मशीन है। लगभग अपोलो ने 1200 पेवर्स यानी कि 1200 पेवर्स इंडिया में बेचे हैं और बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है पेवर के बारे में। इंडिया और इंडिया के बाहर भी इसके पेवर्स बेचे जाते हैं। और आज मैं आपको खाली इस मशीन का इंजन के बारे में और टेक्निकली ही नहीं बताऊंगा, तो आज सबसे पहले मैं आपको इसका जो आगर का स्पीड का सेटिंग कैसा बनता है और दूसरी बात स्क्रीड का नल सेटिंग कैसा करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो आखिरी तक देखना है। सबसे मेन इसका इंजन जो है वो 170 यानी कि 169 HP का है, किर्लोस्कर का 4R1080T या कमिंस का 6BTA इंजन, दोनों इक्विवेलेंट को लगते हैं। स्क्रीड में लगभग इसका बेसिक जो स्क्रीड है वो 3 मीटर का है और जब एक्सटेंडिंग स्क्रीड हम लोग करते हैं तो वो जाता है लगभग 6 मीटर तक, और पूरा अगर हम इसे अटैचमेंट करते हैं तो वो स्क्रीड जाता है लगभग 10 मीटर तक। 400 mm के इसके टोटल आगर्स है और पेविंग का जो थिकनेस है इसका लगभग 300 mm का इसका पेविंग का थिकनेस है। बहुत ही बढ़िया मशीन है। पेविंग का स्पीड इसका लगभग 41 मीटर पर मिनट है यानी कि 50 मीटर की दूरी है लगभग 1 मिनट में तय करता है। और ट्रैवल स्पीड जो है इसका है 7.5 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर का है। तो आज मैं इसका आगर का स्पीड कैसा बढ़ाते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो प्लीज आखिरी तक देखिए। हाई क्वालिटी के आगर, बहुत ही बढ़िया मशीन है। मशीन सीखने का भी हमने एक वीडियो डाला है कि इस मशीन को ऑपरेटिंग कैसा करते हैं। तो अभी हम लोग ये आगर देखते हैं। आगर का स्पीड अभी बहुत ही कम है तो हम लोग ये जो पैनल बोर्ड है AP1000 का, ये पैनल बोर्ड से हम लोग अभी आगर का सेटिंग हम लोग बढ़ा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पैनल बोर्ड से इस तरीके से हम लोग आगर का सेटिंग बढ़ा सकते हैं। दोनों आगर के अलग अलग बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग थोड़ा वो जो पॉट है पॉट घुमा के आप लोग इसका जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। ट्रैवल के लिए 3 पॉइंट इस चेंज को स्मूथ ट्रैकिंग के लिए दिया गया है। सस्पेंशन बहुत ही सही है और बहुत ही एक्यूरेसी में ग्रेड्स और स्लोप का कंट्रोल करता है। तो अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाते हैं। मेरा मशीन ए ऐप आप डाउनलोड करके उसमें भी आप लोग हिस्सा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऑपरेटर्स ओनर्स हम लोग एक ही जगह पे ला रहे हैं। तो अभी हमने देखिए अभी स्पीड बहुत कम कर दिया हमने, उस बटन के जरिए उस पॉट के जरिए आप इसका बटन ये कर सकते हैं। जैसा ये नया मशीन हो या पुराना मशीन हो तो आपको ये नल सेटिंग भी करना चाहिए। देखिए ये जो बटन है, ये जो है अपना सेंसर का बटन, तो आप पूरा उसको नीचे ले लीजिए। नीचे पूरा लेने के बाद में देख सकते हैं आप, नीचे ले लिया मैंने, उसके बाद में नल सेटिंग करनी। देख लीजिए आप 41 का स्पैनर से ये नल सेटिंग आपको करना है। स्पैनर कभी कभी 38 का भी 36 का भी लगता है इसको, तो ये नल सेटिंग करना चाहिए। नल सेटिंग होना बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज मेरा YouTube को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।